पार्टी तोड़ दी गई, परिवार तोड़ दिया, उसके बावजूद भी हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी चाहने वाले पार्टी के, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी में आस्था व्यक्त करने वाले, अगर एक साथ लड़े होते तो जो ये विपक्ष आज बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं उनका दहाई का आंकड़ा नहीं मिलता। विधानसभा में भी जितनी सीटें मिलेंगी 100% स्ट्राइक रेट उसका भी रहेगा। देखिए पार्टी में सब लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। हम लोग पहली बार, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री बने हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक ऐसी पार्टी है बिहार में जिसने इस लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ एक बड़ी बढ़त बनाई। और ऐसे में अब बात करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, क्योंकि अब से कुछ ही दिन के बाद विधानसभा चुनाव भी है और इसकी भी तैयारियाँ शुरू हो गई है। ऐसे में सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने तो लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ एक मतलब बड़ी पार्टी बनकर उभरी, किंग मेकर भी कह ले अगर चिराग पासवान जी को, लेकिन अब विधानसभा की कैसी तैयारी है? देखिए निश्चित रूप से परिवार और पार्टी टूटने के बाद जिस हिसाब से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में और नेतृत्व की खूबसूरती देखिए कि पार्टी और परिवार टूटने के बाद सभी कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिला करके और जिस हिसाब से उन्होंने सबको ले करके चला और उनके विजन जो थी उस बिहार की जनता ने उस पर अपनी मुहर लगाई, उसके बाद निश्चित रूप से हम लोग 5 की 5 सीट 5 की 5 100% स्ट्राइक रेट तो हमारे संस्थापक श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद है और उसको कायम रखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग तो शुरू से कहते थे लेकिन निश्चित रूप से शानदार नेतृत्व और शानदार हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ये दिन आया है कि आज हम लोग को पार्टी तोड़ दी गई, परिवार तोड़ दिया, उसके बावजूद भी हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी चाहने वाले पार्टी के, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी में आस्था व्यक्त करने वाले सबको आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूँ हृदय से। 5 के 5 सांसद आपने दिए हैं इस बार एनडीए को, और ऐसे में अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि ठीक है लोकसभा चुनाव में तो 5 सीटें मिली 5 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें? देखिए एक विधानसभा चुनाव में एक चीज़ बता दूं मैं आपको, 2020 में आपने देखा होगा हम लोग अलग लड़े थे, लेकिन अगर एक साथ लड़े होते तो जो ये विपक्ष आज बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं उनका दहाई का आंकड़ा नहीं मिलता। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में विधानसभा में भी जितनी सीटें मिलेंगी 100% स्ट्राइक रेट उसका भी रहेगा और चुनाव में गठबंधन की सरकार बनेगी और देखिए यहाँ विपक्ष का दर्जा तक प्राप्त विपक्ष को नहीं होगा सदन में। लोक जनशक्ति पार्टी का जिस तरीके से बंगला जो था उसका आवंटन रद्द किया गया, अब कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान जैसे ही मंत्री बने तो उन्होंने एक्शन लिया और कहीं ना कहीं उनके ही कहने पर इस बंगले का आवंटन रद्द किया गया। नहीं, देखिए चिराग पासवान जी इतनी छोटी छोटी बातों पर हस्तक्षेप नहीं करते। मैं बता दूँ आपको, हम लोग का पार्टी टूटा, परिवार टूटा, तो देखिए हम उनके आज उन्हीं के आवास में हमारी पार्टी चल रही है। कभी हम लोग बंगले के चक्कर में नहीं रहते हैं और ना कभी हम लोग, ये हमारी पार्टी की संस्कृति नहीं। हम लोग, हमारे नेता जब भी आते थे तो आप देखी होंगी, आप तो सब कवरेज की होंगी कि जितना समय यहाँ देने के बजाय लोगों के बीच में हर जिला गए, प्रखंड गए, गांव-गांव तक गए, सबके दुख सुख में पहुँचने का काम किया। तो निरंतरता में आज भी मेरे नेता की नियत यही है, एक ही है, लेकिन एक पार्टी होने के उस स्थिति में हमको एक कार्यालय चाहिए, तो निश्चित रूप से हम डिमांड करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उस विभाग के मंत्री से, हमको एक कार्यालय तो दिया जाना चाहिए, वो मेरा अधिकार है, उसके लिए तो डिमांड हम करेंगे ही। आप भी सर चुनाव लड़ेंगे? देखिए पार्टी में सब लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो निर्देश रहेगा, जिस जगह जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको हम लोग सहृदय पूरा करेंगे। अच्छा, 29 तारीख को भी एक बड़ा कार्यक्रम है, सांसद सम्मान समारोह है, तो इसके बारे में नहीं, इसके बारे में क्या, देखिए सांसद सम्मान समारोह के साथ साथ पहली बार हमारे नेता
आदरणीय चिराग पासवान जी भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री बने हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हमारे पदाधिकारियों में उत्साह है, और निश्चित रूप से उस दिन उनका स्वागत के साथ साथ, सांसदों के स्वागत के साथ साथ, जो पूरे बिहार में हमारे कार्यकर्ता जो पुनः पार्टी को एक बहुत मजबूती दिया हर बूथ स्तर तक, तो कोशिश ये करेंगे कि प्रमुख साथी हर जिला से आएंगे और उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। नीट पेपर लीक को लेकर जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, कल तेजस्वी यादव का भी नाम इस चीज़ को लेकर के आया है सामने, किस तरीके से? देखिए, किसी का भी नाम आया है दुर्भाग्य की बात है, आप ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है, हम आप ही लोगों के माध्यम से देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और निश्चित रूप से हमको पूरा भरोसा अपने सरकार पे है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी और बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, जिससे होनहार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ऐसे बिचौलिए और दलाल टाइप के लोग ना कर पाएं। एक आखिरी सवाल सर, सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का एक बयान आता है विशेष समुदाय को लेकर, यादव और मुस्लिमों को लेकर के, वो कहते हैं कि हमें वोट कम मिला इसीलिए उनके लिए कोई काम नहीं करेंगे, इस बयान को किस तरीके से देखिए? अब हम तो बयान उनका सुने नहीं हैं, लेकिन उन्होंने किस परिस्थिति में बयान दिया, बयान मैं सुना भी नहीं हूँ, इसलिए इस पर प्रतिक्रिया देना कतई उचित नहीं होगा। ये बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि स्वाभाविक रूप से काम करने वाले को पीड़ा होती है, लेकिन पीड़ा के बावजूद लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि आप चुनाव लड़ने के दरमियान अपना पराया हो सकता है, लेकिन जब आप चुनाव जीत जाते हैं, एक संवैधानिक पद पर शपथ वो ले लेते हैं, ऐसी परिस्थिति में आपको विकास का काम सबके बीच करना होता है, करता ही है लोग ये विकास, मान लीजिए हर गांव में कहीं कोई ऐसा नहीं है, हमने देखा है कि ये 100% आप ही के लोग हैं, 10-20-50 लोग इधर उधर रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, डेवलपमेंट होगा तो सबको लेकर चलना चाहिए। बाकी मान लीजिए कुछ लोग पीड़ित होंगे, हमको लगता है कि चूँकि काम करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से जब रिजल्ट आता है तो पीड़ित होता है, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जाति पाति पे चले जाते हैं, और जाति पाति से अलग हट के जो काम करते हैं उनको पीड़ा होती है, लेकिन कतई ये हम नहीं कह सकते हैं कि इस तरह से हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी थे, क्या कुछ कहते नजर आए साफ तौर से आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।